हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक टेक्सचर पैक, जिससे आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का लुक बहुत ही रियलिस्टिक हो जाएगा। और ये टेक्सचर पैक आपके लो एंड यूएस मोबाइल में भी इजिली वर्क करेगा। तो गाइस, अगर आप भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इस टेक्सचर पैक को चलाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना माइनक्राफ्ट की और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस, इस टेक्सचर पैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मीडिया फायर का लिंक, वहां से आपने सिंपली इस टेक्सचर को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्ले स्टोर से ZRCUR एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। फिर आपने जिस भी फोल्डर में उस टेक्सचर को डाउनलोड करके रखा होगा, लिंक से उस फोल्डर में चले जाना। उसके बाद आपको इस टेक्सचर की एक फाइल दिखेगी, तो आपने उस पर सिंपली क्लिक कर देना और उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा, तो आपने सिंपली इस फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से इसे कट कर लेना। इसे कट करने के बाद आपने अपने डिवाइस मेमोरी में आ जाना। उसके बाद आपने एंड्रॉइड वाले फोल्डर में आ जाना। एंड्रॉइड फोल्डर में जाने के बाद आपने डाटा में चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे माइनक्राफ्ट वाला फोल्डर दिखेगा, तो आपने सिंपली उसमें आ जाना। उसके बाद आपको इन तीनों फोल्डर के अंदर आ जाना है और फिर फाइनली आपको रिसोर्स पैक वाले फोल्डर में आके इस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। और सिंपली इतना करने के बाद आपको अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर देना है। माइनक्राफ्ट स्टार्ट होने के बाद आप जिस भी वर्ल्ड में इस टेक्सचर को चलाना चाहते हैं तो उस वर्ल्ड के पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिसोर्स पैक वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपने सिंपली रिसोर्स पैक में आ जाना और उसके बाद आपने मैप एक्स में आ जाना। और फिर आपको यहाँ पे रियलिज्म मैट वाला टेक्सचर देखने को मिलेगा, तो आपने सिंपली इसे एक्टिवेट कर लेना और वर्ल्ड को प्ले कर लेना। तो गाइस, जैसे आपका वर्ल्ड स्टार्ट होगा तो आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ग्रास भी देख सकते हैं कितनी रियलिस्टिक लग रही है। गाइज, यहाँ पे आप इंचैंटमेंट टेबल का टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स लिए हैं जिनका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक दे रहा है। और वुडन प्लैंक्स और एमराल्ड ब्लॉक का टेक्सचर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाइज, यहाँ पे आप चेस्ट को भी देख सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। गाइज, यहाँ पे आप डायमंड ब्लॉक का भी टेक्सचर देख सकते हैं और इधर साइड भी कुछ ब्लॉक्स है। इधर साइड आप गोल्ड ब्लॉक को देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और उसके नीचे क्राफ्टिंग टेबल तो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। गाइस, ट्री के टेक्सचर की बात करें तो ट्री का टेक्सचर भी एकदम बढ़िया है। यहाँ पे आप पत्तियां देख सकते हैं ट्री की कितनी अच्छी लग रही है। गाइस, बूट की बात करें तो बूट तो आपको और भी रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है बूट का। और यहाँ पे आप अंदर से भी देख सकते हैं कितना बढ़िया रियलिस्टिक लग रहा है। गाइस, इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको इस टेक्सचर पैक में देखने को मिलने वाला है। और ये टेक्सचर पैक आपके 2GB रैम वाले मोबाइल में भी इजिली वर्क करेगा। तो गाइस, अगर आपको ये टेक्सचर पैक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना माइनक्राफ्ट की और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो हम मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। बाय बाय।